जनपद में आईएएस व पीसीएस की तैयारी करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन द्वारा निःशुल्क कोचिंग भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि ऐसे अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 6 लाख से कम है, उनके लिए प्रयागराज, लखनऊ, हापुड़, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर एवं अलीगढ़ में आवासीय निःशुल्क कोचिंग एवं भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है। प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालय पर 18 दिसंबर को राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम यूपीपीसीएस सिविल सेवा परीक्षा के समान होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को रहने, खाने व पढ़ाई की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसका 30 नवंबर को आवेदन करने की अंतिम तारीख है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 जिलों में छात्रों के लिए आईएएस की तैयारी के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। देखिए, नई व्यवस्था गोरखपुर के लिए है, बाकी 6 के लिए तो बाकी 6 जनपदों में पहले से ये चली आ रही थी, गोरखपुर में इस बार से ये शुरू हो जाएगी। इसमें 100 बच्चों के लिए रहने की, खाने पीने की और उनकी कोचिंग की उच्च स्तरीय सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध होंगी। कुल कितने छात्रों का चयन किया है? 100 बच्चों का चयन किया जाना है। ऑनलाइन परीक्षा होगी इसकी, 30 नवंबर तक आवेदन करने की अंतिम तिथि है, 18 दिसंबर को इसकी प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा में मेरिट के आधार पे ऊपर से 100 बच्चे ले लिए जाएंगे।